मालूम है? आओ हम तुम्हें 7 दिनों का थोड़ा सा भाव अर्थ बताएं। भाई हफ्ते की शुरुआत कहाँ से होती है, दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? सोमवार से, है ना? रविवार से नहीं होती। कहाँ से होती है? सोमवार से। तो सोमवार के दिन क्या किया भगवान ने कि इस सृष्टि का निर्माण किया? क्या किया? इस सृष्टि बनाई सोमवार के दिन। अब आया मंगलवार। मंगलवार के दिन क्या हुआ कि हम माँ की कोख में आए हैं। मंगलवार के दिन माँ की कोख में, यानी माँ के गर्भ में आए और गर्भ से बाहर भी आ गए मंगलवार। अब आया बुधवार। बुधवार के दिन क्या हुआ, थोड़ी सी बुद्धि आ गई। बुद्धि आई, यदि फिर भी भगवान का भजन नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि बुद्धि तो आ गई, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। अब आया गुरुवार। गुरुवार के दिन क्या हुआ कि गुरु दीक्षा ले ली हम लोगों ने। गुरु ने कहा भैया कि भगवान का भजन करो। गुरुवार के दिन भी यदि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो अब गुरुवार खत्म हो गया, फिर कौन सा वार आएगा? शुक्रवार। शुक्रवार के दिन क्या हुआ, थोड़ी सी सुख संपत्ति आ गई, धन ऐश्वर्य आ गया, फिर भी भगवान का भजन नहीं किया। तो अब आएगा शनिवार। शनिवार के दिन क्या होगा, शनि लग जाएगा तुम्हारे पीछे, राहु केतु लग जाएंगे। यदि राहु केतु लग गए फिर भी तुम भगवान का भजन करना नहीं सीखे तो अब आएगा रविवार। रविवार के दिन तुम इस दुनिया से रवाना हो जाओगे। यही 7 दिनों का मतलब है। 7 दिन हमें जगाने की ये बार है। आज तो कम से कम जग जाओ। आज ये बार है, आज तो कम से कम जग जाओ। लेकिन हमारी अंतगत्वा मृत्यु हो जाती है, फिर भी हम उठ नहीं पाते हैं, जाग नहीं पाते हैं। अच्छा, रोज हमें भगवान का कितना भजन करना चाहिए, उसकी कोई लिमिट है क्या? भाई जैसे भोजन करने की लिमिट है कि आप 2 टाइम कम से कम भोजन आपको करना पड़ेगा तो स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, है ना? लेकिन लोग तो 3 टाइम भी करते, कोई कोई 4 टाइम भी खाता है, कोई दिन भर खाता भी रहता है, कोई 1 टाइम पे भी गुजर बसेरा करता है। तो उसी प्रकार भजन करने की भी तो कोई लिमिट बताई होगी ना। एक बार तुलसीदास जी महाराज ने राम जी से पूछ लिया, हे राम जी, दुनिया में हम तुम्हारा भजन करें तो कितना करें, क्या है? तो तुलसीदास जी को राम जी ने कहा, और वही तुलसीदास जी महाराज ने अपनी रामचरित मानस में सुंदर चौपाई के माध्यम से बता दिया है। क्या बताया? कितना भजन करना है। तुम एक चौपाई रोज मंदिर में बोलते हो, लेकिन पता नहीं उसका भाव अर्थ कुछ किसने समझा और किसने नहीं समझा। अभी तक पता नहीं हम उस चौपाई को क्या समझ रहे हैं। कौन सी चौपाई? एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियादी, तुलसी संगत साधु की तो हर हो कोट अपराध। सभी ने सुना है ना चौपाई, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की तो हरे हो कोट अपराध। इसका भाव अर्थ किसको किसको पता है? जरा अपने हाथों पर करे, बोलना तो आसान है लेकिन उसको समझना कठिन है। भाई क्या बोल रहे हैं हम भगवान से? एक घड़ी आधी में बुनियाद, इसका भाव अर्थ समझ लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रोज कम से कम कितना भगवान का भजन करना है। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं मैया? एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? ये घर में जो घड़ी होती है वो घड़ी नहीं, जो घड़ी पंचांग में होती है, जो घड़ी कैलेंडर में होती है, जो घड़ी के पहले महाराज जी लगन लगाते थे वो घड़ी की बात कर रहे हैं। पहले महाराज जी लोग घड़ी के लगन लगाते थे, 2 घड़ी का, 6, 2.5 घड़ी का, 3 घड़ी का। आजकल तो मुहूर्त के लगन भी नहीं लगते हैं। बराती आने में इतनी देर करती है कि सूर्य अस्त कब हो जाता है, महाराज जी क्या करना? लगन तो ठीक है, कभी भी लगा दो, नाचना जरूरी है। क्योंकि आजकल जो कलयुग का प्रभाव है ना, मैं कहूँ कि यदि सही समय से तुम्हारे लगन लग गए तो ठीक है, और समय के बाद यदि लगन लगाओगे तो जीवन पर्यंत तुम दुख को प्राप्त करोगे।
फिर बाद में रोते रहना, महाराज जी ये परेशानी है, महाराज जी वो परेशानी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के विपरीत चल रहे हैं। भगवान ने जो नियम कानून कायदे हमारे लिए लगाए हैं, हम उनका उल्लंघन कर रहे हैं, अंतगत्वा दुख को प्राप्त कर रहे हैं। भाई दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि हम भगवान को पता नहीं क्या समझते हैं। अच्छा काम करने रहे मरा, अच्छा करे तो हमने किया है, और कोई बुरा हो जाए तो बोले भगवान ने किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जो घड़ी है, जो मुहूर्त है, उसका विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। हम पहले लगन बहुत लगाते थे गांव गांव जा करके, लेकिन आजकल क्या करें, हमने लगन लगाना बंद कर दिया, क्योंकि दो लोग वहां पर बहुत डिस्टर्ब करते लगन।